हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एंटी एजिंग फेस मास्क। इस फेस मास्क से आपकी फेस की स्किन भी टाइट होगी, यानी कि एक स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगा एक तरह से ये, और आपके फेस पर जितने भी फाइन लाइन्स और रिंकल्स है उसे ये रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमें इस फेस पैक को कैसे तैयार करना है। आपको इसके लिए चाहिए एक चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच अंडे का सफेद भाग और एक चम्मच मलाई और एक चम्मच बेसन। दैट्स इट। बस हमें चार ही चीजों की जरूरत होगी इस फेस पैक को तैयार करने के लिए। और हाँ गाइज, आप चाहें तो कोई सी भी ब्रांड की एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट प्लांट की एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि हमें इस फेस पैक को अब कैसे तैयार करना है। यहां पर मैं ले रही हूं एक चम्मच एलोवेरा जेल। एक क्लीन बाउल ले लीजिए, उसके अंदर आपको एलोवेरा जेल डालनी है। इसके बाद मैं यहां पर ले रही हूं थोड़ी सी मलाई, लगभग एक चम्मच। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी अंडे का सफेद भाग एक चम्मच। तो ये देखिए, मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से फेंट लूंगी। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये अंडा इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच बेसन। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लूंगी जिससे कि मुझे इस फेस पैक को लगाने में आसानी हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका है और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आपके फेस पर कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ लिप बाम लगाई हुई है और ये देखिए, मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है इस वक्त। मैंने सिर्फ फेस वॉश किया था सुबह अपने फेस को। और ये देखिए, मैं इसे अप्लाई कर रही हूं। आईज के पास भी इसे जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर भी हमें रिंगल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। और फ्रेंड्स, इस फेस पैक से आपकी झुर्रियां कम होने लगेंगी। आप खुद भी नोटिस करेंगे आपने इस फेस पैक को लगाना कैसे है। आपने इस फेस पैक को हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना है और इस फेस पैक को मेंस और वुमेन्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यही इस फेस पैक की खास बात है। जी हाँ, मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए बना है ये फेस पैक। और चाहे आपकी एज 50 हो, 60 हो या 55 हो या 70 हो, हर कोई इस फेस पैक को इजिली ट्राई कर सकता है। इससे आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी झुर्रियां कम होने लग गई हैं और आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो भी आएगा। और इस फेस पैक से गाइस, आपके फेस पर जितनी भी झुर्रियां हैं वो कम होने लगेंगी। जितनी फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उसे ये रिमूव करने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो भी लेकर आएगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपने फेस पैक को लगा लिया है और अब मैं इसे 5 से 10 मिनट तक बस ऐसे ही छोड़ दूंगी। बस इसे हल्का ड्राई होने देना है आपने, बहुत ज्यादा ड्राई मत होने दीजिए। उसके बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा गीला करते हुए, हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे रिमूव कर लूंगी। और आपने इसे नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है, कोई भी गर्म पानी वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। बस ताजे पानी से इसे वॉश कर लीजिए। मैं इसे नेक पर भी अप्लाई कर रही हूं। बस मैं अभी इसे 5 से 7 मिनट तक रखूंगी और इसे हल्का ड्राई होने दूंगी। उसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। तो ये देखिए, मेरा फेस पैक हल्का ड्राई हो चुका है और अब मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करके आती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी लग रही है और एक बहुत अच्छा ग्लो भी आया है स्किन में, आप देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, ये फेस पैक ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। वैसे तो इस फेस पैक को सभी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एक बार पैश ट्राई जरूर कर देखिएगा। सो गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो, आज की रेमेडी। आशा करती हूं आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज गाइस लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे।
तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।